दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी जी की। हेमा मालिनी जी किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है और उन्होंने बहुत ही लंबे अरसे तक बॉलीवुड में राज किया और अपनी एक्टिंग की वजह से वो हमेशा लोगों के दिलों में एक तरह से कहा जाए तो एक्टिव रही और उन्होंने सभी लोगों के दिलों में हर वर्ग के लोगों में अपनी जगह बनाई। दोस्तों आज हम बात करते हैं हेमा मालिनी जी की कि वो कौन सी बेहतरीन मूवियां हैं जो उनके करियर के लिए एक तरह से अगर ये कहा जाए कि उनके स्टारडम में वो मूवियां एक सहायक रही और उसकी वजह से ये बहुत लंबे अरसे तक बॉलीवुड में एक्टिव रही और जिससे कि इन्होंने बॉलीवुड में अपने समय की ये नंबर वन एक्ट्रेस के रूप में इनको देखा जाता था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे हिसाब से अगर हम उनकी पहली मूवी को रखें तो वो है सीता और गीता, जिसको डायरेक्टर रमेश सिप्पी द्वारा डायरेक्ट करी हुई मूवी थी ये, और इसमें इनके को स्टार थे धर्मेंद्र सर और संजीव कुमार। इस मूवी में इन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करा और जिसकी वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एक ब्लॉकबस्टर मूवी के रूप में हिट हो पाई और हेमा मालिनी जी की किस्मत चमक गई। अब हम इनकी सेकेंड मूवी को रखें तो उस मूवी को शायद ही कोई ऐसा हो जिसने ना देखा हो, वो मूवी है अपने टाइम की मशहूर मूवी, वह है शोले, जिसको एक बार फिर रमेश सिप्पी द्वारा डायरेक्ट करी हुई मूवी है और इसमें इनके को स्टार थे धर्मेंद्र सर, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, बहुत लंबी स्टार कास्ट थी इसमें, संजीव कुमार और अमजद खान साहब को भी शायद क्या कोई भूल पाएगा उनका नेगेटिव रोल को। तो एक मल्टी स्टार कास्ट वाली मूवी थी और इस मूवी में इनका बसंती का रोल आज तक शायद कोई ना भूल पाए। इन्होंने बहुत ही दमदार एक्टिंग करी और अपनी एक्टिंग की वजह से इस मूवी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन पाई और ये मूवी अपने टाइम की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी के रूप में इस मूवी को देखा गया है और बॉक्स ऑफिस में ये कॉमर्शियली बहुत ही ज्यादा हिट साबित हो पाई और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर के रूप में इस मूवी को हिट हो पाई है ये मूवी। और अब हम इनकी तीसरी मूवी की बात करें जो उससे अगर हम रखें तो वो है सत्य पे सत्ता। इनमें इनके को स्टार थे अमिताभ बच्चन सर, शक्ति कपूर और काफी लंबी स्टार कास्ट थी और इस मूवी में भी इन्होंने बेहतरीन अभिनय किया और अपने अभिनय की वजह से इस मूवी में चार चांद लगा दिए और ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट मूवी साबित हो पाई। अब हम इनकी चौथी मूवी को रखें तो वो है नास्तिक। इसमें इनके को स्टार थे अमिताभ बच्चन सर, प्राण और इस तरह से देवन वर्मा भी इसमें एक रोल में थे, सपोर्टिंग रोल में, और इस मूवी में भी इन्होंने बेहतरीन अभिनय किया और अपने अभिनय की वजह से लोगों को इन्होंने दिल जीता और इस तरह से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पे कॉमर्शियली ब्लॉकबस्टर मूवी के रूप में हिट हो पाई। अब हम बात करें इनकी करियर की, जो बहुत सालों बाद इन्होंने मूवी में काम किया वो है बागवान। इस मूवी को भी शायद ही कोई ऐसा हो जो कि जिसने मूवी ना देखी हो। इसमें इनके को स्टार थे अमिताभ बच्चन सर, अमन वर्मा, रिमीज सेन, परेश रावल, काफी लंबी स्टार कास्ट थी और एक फैमिली ओरिएंटेड मूवी थी और लोगों ने इनकी अभिनय की इस मूवी में जमकर तारीफ करी और ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर मूवी के रूप में हिट हो पाई। इसमें सलमान खान और महिमा चौधरी का एक तरह से कैमियो रोल था और उनके रोल को भी काफी पसंद किया गया और ये मूवी एक फैमिली ओरिएंटेड मूवी होने के नाते इस मूवी में लोगों ने इनके जमकर तारीफ करी और इस तरह से हमने इनकी पांच मूवी का आज एनालाइज किया कि ये पांच मूवियां इनके लिए करियर के लिए बहुत ही ज्यादा हिट साबित हो पाई और इनके करियर की अगर हम बात करें तो इन मूवियों का बहुत बड़ा रोल है उनको नंबर वन में पहुंचाने। तो दोस्तों वैसे तो इन्होंने बहुत सारी मूवियों में काम किया है और लगभग हर मूवी में ये अच्छा अभिनय करती थी, तो फिर भी हमारे हिसाब से ये लिस्ट है। आपको हेमा मालिनी जी की ये वीडियो कैसे लगी इसमें आप हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बॉलीवुड से जुड़ी हुई रोचक वीडियो इसी तरह देखते रहिए।